वो चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कास्ट को क्या परसेंटेज दिया जाएगा, कितना उसका विकास अभी तक हुआ है, कैसे इसका विकास और आगे करना है, रिजर्वेशन ख़त्म किया जाए, क्या रिजर्वेशन के परसेंटेज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसमें कुछ हेर फेर किया जा रहा है। समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और उनको एक मौका मिले ताकि वो भी मुख्य धारा में आए। अभी का जो वर्तमान परिस्थिति में जो एक वर्निंग इशूस पूरे हिंदुस्तान को ग्रसित किए हुए हैं, जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्डिक्ट आया है SC ST रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मतलब कोटा विद इन कोटा पे, जो पूरे देश को जो है ना अभी उद्वेलित कर दिया है और इसके पक्ष में और विपक्ष में लोग अपना तर्क दे रहे हैं। 7 सदस्यीय जो बेंच है उसमें 6-1 से ये डिसीजन दिया गया है। साथ में एक मैडम जो हैं जिन्होंने अपना जो है इस पर असहमति व्यक्त की है। असहमति क्या कहेंगे, उन्होंने जो पूर्व का जो जजमेंट है उसको जो है बोला कि उसमें जो है चूँकि जो है शेड्यूल कास्ट होमोजेनियस ग्रुप है इसलिए इसमें जो है सब क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मैं अपने तथा अपने संगठन अखिल भारतीय शासी नट समाज एकता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इसका स्वागत करता हूँ। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यदि आप इस वर्डिक्ट के इसमें जाएंगे, मन थीम में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस तरह का जो वर्डिक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो क्यों दिया है, इसके पीछे क्या तात्पर्य है। हैं आजकल काफ़ी लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग जो हैं जो संविधान पर जिनको एक्सपर्टीज है, जो लोग पॉलिटिकली काफ़ी जागरूक हैं, वो लोग भी अपना अपना मंतव्य इस पर दे रहे हैं। मेरा कहना है कि समाज में जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उसके साथ साथ जिसके साथ शेड्यूल कास्ट का जो क्राइटेरिया है, हैं जो 341 में जो वर्णित है कि दोज हु आर शेड्यूल कास्ट, हैं तो शेड्यूल कास्ट में ये जो सूची है जिसका आधार अनटचेबिलिटी माना गया है उससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि जो पिछले पौदान पर है, निचले पौदान पर जो लोग हैं उनकी जो उनका उत्थान कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस चीज़ को समझा और वर्षों से जो पेंडिंग था आज की तारीख में जो काम जो राष्ट्रीय पार्टीज हैं, जो रूलिंग पार्टी रही हैं और जो आज की रूलिंग पार्टी हैं उनको करना चाहिए था, वो नहीं किया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया, अपना डिसीजन जाहिर किया है और इसके पीछे यदि मंशा है तो यही है कि जो पीछे जो लोग छूटे हुए हैं, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और उनको एक मौका मिले ताकि वो भी मुख्य धारा में आए। और ये जो आशंका जाहिर की जा रही है कि इससे रिजर्वेशन पर प्रभाव पड़ेगा, रिजर्वेशन ख़त्म किया जाए, क्या रिजर्वेशन के परसेंटेज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है उसमें कुछ हेर फेर किया जा रहा है, एक ही बात किया जा रहा है कि भाई जो लोग नीचे हैं जिनको जिनके पास अभी तक जो है विकास की किरण नहीं पहुंची है उनके तक जो है ना इनको एक मौका मिले, इसके लिए जो है इस तरह का प्रावधान किया गया है, इस तरह का डिसीजन आया है। हम समझते हैं कि सभी लोगों को एकजुट होकर के, लोग आज बैकलॉग की बात कर रहे हैं, लोग जो है ना अभी तक जो है हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ, इसके लिए संघर्ष कीजिए। लेकिन आप संघर्ष इसके लिए कर रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्या आप नहीं चाहते हैं
आपको भी चाहिए था कि इसके लिए भी आपको संघर्ष करना चाहिए था कि आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे जो भाई बंधु हैं हैं बिहार के संदर्भ में जब हम देखें तो हमारे यहाँ 22 जातियाँ में जो है 5-6 जातियों को छोड़ करके अन्य जो जातियाँ हैं हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी नौकरी में स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक की उसकी स्थिति क्या है, आपने कभी इसके लिए सोचा नहीं। आपको आपके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर कई एक आयोग का गठन किया गया था ताकि जो बीकर सेक्शन के लोग हैं हैं जो NTDNT के लोग हैं, नोमेडिक ट्राइबल्स जो हैं हैं डी नोटिफाइड नोमेडिक ट्राइबल्स हैं, उसके अंतर्गत हमारा समुदाय भी आता है जो पूरे हिंदुस्तान के कई एक राज्यों में है, कम से कम 16 राज्यों में है नर समुदाय का, जो कहीं सपेरा लिखता है, कहीं कारबेलिया लिखता है, कहीं और राणा लिखता है, इस तरह के नामों से लोग परिचित है। तो हमको अपने समाज को यदि ध्यान में रखेंगे तो क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। जब हम जॉब ही में नहीं हैं, जब हमारी कहीं कोई हस्ती ही नहीं है, यदि हमारा कहीं कोई विकल्प ही अभी तैयार नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जो है ना क्रीमी और नन क्रीमी लेयर की बात अभी कहाँ आ रही है। इन ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट यदि आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर जो है उसने OBC समुदाय के को काफ़ी हद तक जो है मतलब कि नुकसान करने का काम किया है। और यदि क्रीमी और नन क्रीमी लेयर यहाँ के लोगों के ऊपर भी लागू किया जाता है हैं, तो ये जो है हमारा जो उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट का, हम समझते हैं कि उसकी जो है जो चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो मंशा है कि हम जो है सबसे नीचे तबके वाले लोगों को अपना ये दे सकें, सहूलियत दे सकें, लोगों को स्ट्रीम लाइन में ला सकें हैं, उस पर जो है खलल पड़ेगा। और नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में ये जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ये स्टेट के ऊपर है किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करता है, किस तरह से इनका प्लानिंग होता है, किस ढंग से जो है वो इसके ऊपर रिसर्च और एनालिसिस करता है और इसके ऊपर प्लानिंग करता है और उसके अनुसार वो चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन से कास्ट को क्या परसेंटेज दिया जाएगा, कितना उसका विकास अभी तक हुआ है, कैसे इसका विकास और आगे करना है। हम लोग तो बार बार इसके लिए कोशिश करते रहे, आपको बताते हुए हमें तकलीफ हो रही है कि रेंके कमेटी की रिपोर्ट जो है ना जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है उन्होंने जमा किया, उसके बाद जो है इदादे कमेटी की रिपोर्ट वो जो है NDA की सरकार अभी चल रही है, लेकिन BJP की जब सरकार थी उस समय ही NDA की सरकार के पहले इसके पहले वाली सरकार में उस समय जो है ना इदादे कमीशन का रिपोर्ट जो है ना वो जमा किया गया, लेकिन उसका क्या हुआ, उसने जो है ना 21 डिपार्टमेंट से जितने भी तरह के विभाग थे पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर करके ये एक पास किया था कि किस तरह से इस समुदाय को जो है ना विकास किया जा सकता है, इसको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है, राष्ट्रीय आयोग जो है नेशनल लेवल पर और जो है क्षेत्रीय स्तर पर स्टेट लेवल पर जो है राज्य स्तरीय आयोग का गठन किया जा सके ताकि लोगों को इस पर ये हो। हम लोगों ने अपने स्तर से भी कई एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को, चाहे सरकार की नहीं की रहे, हम लोगों ने लिखा है कि भाई जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होता है, शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है जिसके आधार पर लोग आगे बढ़ सकते हैं, यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक जो है समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।